आईपीएल के समापन के बाद अब भारतीय क्रिकेट फैंस का ध्यान विश्व टेस्ट चैंपियन में है। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून को खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले शुभमन गिल और मोहम्मद शमी ने कंगारुओं की नींद उड़ा दी है। खिताबी मुकाबले से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने कहा कि शुभमन गिल और मोहम्मद शमी भारत को चैंपियन बना सकते हैं। केएल राहुल के चोटिल होने के कारण विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल में भारतीय पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा बल्लेबाज शुभमन गिल पर होगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को लगता है कि शुभमन गिल की क्लास और शॉर्ट चेन उनको टीम में एक अहम भूमिका प्रदान करती है। रिकी पोंटिंग ने कहा, वह शानदार युवा खिलाड़ी है, उनके पास वह आक्रामक नजरिया है। उनका फ्रंट फुट पुल शॉट, जो वे तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हैं, उस शॉट की ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी अटैक के खिलाफ जरूरत पड़ सकती है। आईपीएल के दौरान गिल शानदार फॉर्म में नजर आए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। हालांकि वो गुजरात को दूसरा आईपीएल खिताब नहीं दिला सके, लेकिन वो आशा कर रहे हैं कि भारत को इस महत्वपूर्ण ट्रॉफी में जीत दिलाएंगे। पोंटिंग ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए वो कहा, मुझे लगता है कि शमी को अपनी गेम को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अगर भारत को यह मैच जीतना है, अगर आप ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज से भी पूछेंगे तो वह अच्छे से जानते हैं कि शमी कितने बेहतरीन गेंदबाज हैं। चाहे गेंद पुरानी हो या नई, चाहे भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जानते हैं कि शमी कितने प्रतिभाशाली हैं और कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर